हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है गाइस, कि जब हम पूजा करते हैं, जब कोई भी ऐसा पूजा पाठ हम करने बैठते हैं, तो हमें ना उबासी आने लगती है, जम्हाई आने लगती है, या फिर आप जब बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं तो पूजा करते करते तो आपके आँखों से आंसू आने लगता है। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्या कारण है कि ये सब आपके साथ हो रही हैं, रीडिंग इसी पर आधारित है गाइस, कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि पूजा करते समय आपको आलस आ रहा है, जमाई आ रही है, साथ ही साथ या कभी कभी आप पूजा करते हैं तो आपका मन बहुत खुश रहता है या फिर बहुत आंखों से आंसू गिरने लगता है गाइस। देखते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या रीडिंग निकल कर आ रही है गाइस। यहाँ पे आपके लिए आया है गाइस कि अगर आपको पूजा पाठ करते समय आपको अगर जम्हाई आ रही है या आलस लग रहा है या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ दूसरी बातें चल रही हैं गाइस। क्योंकि अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं, यूनिवर्स की पूजा करते हैं, गॉड की पूजा करते हैं, तो आपको उबासी नहीं आनी चाहिए, आपको जमाई नहीं आनी चाहिए। आप जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अगर आप वहाँ ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो आपको जो फल मिलने वाला रहेगा वो कैसे मिलेगा गाइस, वो फल आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि आपका जो ध्यान है, मन ही नहीं लग रहा है पूजा पाठ में उस ईश्वर पे, उस गॉड पर, तो आपको कैसे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, आप ही बताइए। आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अच्छा फल मिले, मुझे पूजा करना है, मुझे देवी या गॉड को खुश करना है, वो कैसे हो पाएगा अगर आप भगवान को पूजा चढ़ा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उसी में आपको नींद आ रही है, जमाई ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो इसमें आपको उतना पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा गाइस। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं देवी देवता का, तो उसमें भरपूर आपकी तारमयता चाहिए, यानी ईश्वर और आप में एकाग्रता चाहिए, ध्यान चाहिए और एक दूसरे के मन को मिलना चाहिए, तभी जाके पूजा पाठ सार्थक होता है गाइस। अगर आपको जमाई आती है, सुस्ती आती है या फिर पूजा करते करते आपको नींद आ जाती है, तो आपके जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होने में बाधा आती है। यानी आप जो इस चीज़ के लिए पूजा कर रहे हैं, जो चीज़ मांग रहे हैं, या नहीं भी आप कुछ मांग रहे हैं, फिर भी आप जो काम करेंगे उतना फलित नहीं होगा जितना कि ध्यान से, एकाग्रता करने से, पूजा पाठ करने से मिलता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अगर सच्चे मन से आप पूजा पाठ भी ना करें गाइस, सच्चे मन से ईश्वर को, गॉड को याद करेंगे, आपके पास कुछ भी ना हो प्रसाद चढ़ाने के लिए, कुछ भी पैसा ना हो, फूल ना हो या जो भी पूजा की सामग्री ना हो, और आप दिल से, सच्चे मन से आप ईश्वर को याद करते हैं या कनेक्शन बनाना चाहते हैं ईश्वर के साथ, और उस समय आपके आंखों से आंसू आ गया, जैसे आप देख रहे हैं गाइस, तो आपकी दुआ, आपका मैनिफेस्ट जरूर से जरूर कबूल होगा, क्योंकि आपने ईश्वर से, गॉड से अपनी सच्ची भावना भेजी है, अपने दिल से ईश्वर के दिल तक एक सच्ची और प्यार भरी भावना, बहुत ही कनेक्शन वाला भावना आपने ईश्वर के पास भेजी है, गॉड के पास भेजी है, और भेजते समय आपको बहुत ही ज़्यादा आंखों से आंसू आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, जिससे कि ईश्वर भी खुश हो जाएगा गाइस। अगर ऐसा होता है पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं या आपको बहुत ही
प्रचंड कष्ट है या बहुत ज्यादा दुख है, असहनीय दुख है, उस समय आंसू गिर ही जाता है गाइस। भगवान के सामने आप बैठते हैं तो आपकी दुआ, आपका जो मन है, जो भी आपकी मैनिफेस्ट है, वो जरूर से जरूर पूरी होने वाली है। ये ईश्वर को, गॉड को जरूर से जरूर आपकी मैनिफेस्ट पूरी करने के लिए वो तत्पर रहेंगे, क्योंकि जो सच्चे मन से, एकाग्रता से, आंसुओं से जो ईश्वर को आमंत्रित करता है, पूजता है, चाहे वो कोई भी ईश्वर हो गाइस, आप किसी भी धर्म के हैं, आप ईश्वर से अगर आपका कनेक्टिविटी है तो जरूर से जरूर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ आपने जाना गाइस कि अगर मैं, आप पूजा करते समय जमाई आती है, आलस लगता है तो क्या होता है, और आपको पूजा करते समय जब आंसू गिरता है तो आपकी दिल के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो ईश्वर के सामने जल बह के निकल जाते हैं, आंखों से जल बहकर निकल जाते हैं, यानी आपका दुख जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, आपको थोड़ा मानसिक शक्ति महसूस होती है, मानसिक शांति महसूस होती है, और कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ईश्वर हमारा एक दिन जरूर से जरूर सुनेगा गाइस, जरूर से जरूर सुनेगा, और वो सुनते भी हैं गाइस। ये विश्वसनीय चीज़ें हैं, आप करके देखिए। दिन रात आप घंटी बजाएंगे या दिन रात आप पूजा में लगे रहेंगे, उसका फल उतना नहीं मिलता है जितना मानसिक जाप से मिलता है। आप सच्चे मन से, सच्ची आराधना से आप अगर ईश्वर को, परमेश्वर को, गॉड को पूजेंगे तो जरूर से जरूर आपकी सुनेगा गाइस। ये करके देखिए, ये सब प्रत्यक्ष है गाइस। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप पूजा पाठ ना करिए, लेकिन हाँ, सच्चे मन से की गई पूजा पाठ, सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर से जरूर गॉड के हृदय तक पहुंचती है, उनके मन तक पहुंचती है, और आपकी जितनी भी मैनिफेस्ट हैं वो सब पूरे होंगे जब आपके आंसू गिरते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है गाइस कि जब भी आप, आपका मन चंचल होता है तभी आप पूजा करते हैं, मन परेशान होता है तभी आप लोग ईश्वर को याद करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। अगर आप सच्चे मन से, मन भी नहीं परेशान हो तो भी आप ईश्वर का नाम लीजिए, या फिर आप खुशी में भी आप ईश्वर का नाम जपते हैं तो भी ईश्वर बहुत खुश होते हैं कि ये बंदा या बंदी हमको याद करता है या याद करती है। अगर आपको पूजा पाठ नहीं करना है तो सच्चे मन से ईश्वर को याद करिए, सच्चे मन से। ये आप जितने भी देख रहे हैं ना, पानी का ड्रॉप्स यानी आंसू आपके जितने भी पूजा के समय बहते हैं वो कबूल होंगे, किसके रूप में, आपके मैनिफेस्ट के पूरे होने के रूप में, आपकी इच्छाओं के पूरे होने के रूप में, आपके खुशियों के रूप में, आपके शांति के रूप में, आपके खुशियों के रूप में, आनंद के रूप में, और साथ ही साथ आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं, वो सभी चीज़ें ईश्वर आपको देगा, बशर्ते आपके मन में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और आप ये करके देखिए गाइस, आपका इतना भला होगा कि आपका भी जैसे मिरिकल होता है ना लाइफ में, मिरिकल हो जाएगा आपके लाइफ में, आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पर। और ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपका मन सबसे पहले साफ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आप की जो कनेक्टिविटी है ईश्वर के साथ, गॉड के साथ, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके साथ,
आपका रिश्ता जो है बहुत ही मजबूत होना चाहिए, जिससे कि आपकी दिल की बात डायरेक्ट उनके दिल तक पहुंचे। गाइस, ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ में देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। गाइस, यहाँ पर आपके सारे कष्ट, सारे दुख, सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, सारी जितनी लाइफ की जितनी भी तकलीफें हैं, कोई खराब ग्रह चल रहा है या नजर दोष है या टोना टोटका है या फिर आपके ऊपर किसी ने बाह्य बाधा किया है, फिर आपके ऊपर आर्थिक स्थिति खराब है, जो भी तकलीफें हैं गाइस, जो भी आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, आपके पति पत्नी ने धोखा दिया है, जो भी तकलीफें हैं गाइस, आपकी जितनी भी मृत्यु तुल कष्ट तक भी ईश्वर का प्रार्थना करने से दूर हो जाते हैं गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे डिवाइन का, यानी आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे यहाँ पे बादल हैं और कितने ढेर सारे यहाँ पे बिजली चमक रही है, और ये लड़की नीचे पड़ी हुई है, यानी उसको बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, और डिवाइन उसको हील करने की कोशिश कर रही है, उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है, उसको बहुत अच्छी तरह से जीवित रखने की कोशिश कर रही है। ठीक उसी प्रकार अगर आप ईश्वर पर आस्था रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, ध्यान करते हैं, एकाग्रता से ईश्वर से आप अपनी जो भी मैनिफेस्ट है वो मांगते हैं, तो जरूर से जरूर वो पूरा करने की कोशिश करता है गाइस, जरूर से जरूर पूरा करता है। और आपकी लाइफ में खुशियां, प्यार, परिवार का प्यार, अबंडेंस, आपकी लाइफ जो है लग्जरियस हो जाएगी, गाड़ी, बंगला, जो भी आप इच्छा कर रहे थे, जो भी आप इच्छा कर रहे थे, हेल्थ, स्वास्थ्य, अगर किसी किसी को अगर बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा भी आपको ईश्वर देगा। जो लोग अगर कंसीव करना चाहते हैं उनको संतान उत्पत्ति का भी योग बनेगा यहाँ पर, यानी जितनी तकलीफें हैं ईश्वर ले लेगा और आप उस दुख के बदले आपको अति सुख देगा गाइस, बहुत ज्यादा संपदा, सुख, शांति, एकता, प्रेम, स्नेह, फैमिली का सहयोग, प्यार, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, जो भी आपके लाइफ में मिरेकल करेगा वो आपको भी नहीं समझ में आएगा गाइस। यही रीडिंग थी, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन।